संस्कृत भाषा को आम आदमी की भाषा बनाने और आम लोगों को संस्कृत से जोड़ने के उद्देश्य से संस्कृत एकेडमी प्रदेश भर के लोगों से जुड़ने का प्रयास करती रहती है। इसी उद्देश्य को लेकर हिमाचल संस्कृत एकेडमी शिमला द्वारा राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सोलन में 15वीं विद्वान गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला उपायुक्त सुभाष सकलानी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान 20 विद्वानों द्वारा काव्य प्रकाश पर चर्चा की गई। हिमाचल संस्कृत अकादमी शिमला द्वारा राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सोलन में 15वीं विद्वान गोष्ठी आयोजित की गई। इस विद्वान गोष्ठी में शिमला उपायुक्त सुभाष सकलानी और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर केशव शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम के आयोजक मस्तराम शर्मा ने बताया कि हिमाचल संस्कृत अकादमी शिमला द्वारा संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए समय समय पर विद्वान गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। उन्होंने बताया कि नौजवान युवा पीढ़ी में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि पैदा करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। मस्तराम शर्मा ने बताया कि विद्वानों द्वारा काव्य प्रकाश पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में प्रदेश भर के 20 विद्वानों के अलावा संस्कृत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अपने सुझाव दिए। हिमाचल में संस्कृत का प्रचार और प्रसार हो, ये बात ठीक है कि हिमाचल प्रदेश में संस्कृत का प्रचार और प्रसार हो रहा है। उसी कड़ी में ये काव्य प्रकाश को जो रखा गया है, क्योंकि लोग जब अपनी रचनाओं को लिखते हैं, उन रचनाओं का जो माध्यम होता है वो हमारा काव्य प्रकाश होता है। उस काव्य प्रकाश के द्वारा कहाँ छंद को भरना है, कहाँ अलंकार को भरना है, कहाँ रीति को भरना है, कहाँ गुण को डालना है, कहाँ किसी भी साहित्य में गुण और दोष है उनकी चर्चा पर चर्चा करनी है, इस प्रकार के ये बात को जो ये काव्य प्रकाश के द्वारा बतलाया जाता है। ये श्लाघनीय है क्योंकि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। सबसे पुरानी देवगिरा संस्कृत भाषा यही है। सिर्फ भाषाओं की जननी नहीं, संस्कृत में वेदों में तो ऐसा कहते हैं कि ये समस्त विज्ञानों की भी जननी, समस्त विज्ञान वेदों में है। और इसके प्रचार प्रसार के लिए जो कुछ भी करना चाहिए उसका प्रयास हमेशा होना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि संस्कृत आदमी इस ओर अग्रसर है।